नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूँ आपके साथ कौशल कुमार। 7 जनवरी को मुख्यमंत्री के काफिला पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। विरोध प्रदर्शन इसलिए चल रहा था, माफ कीजिएगा, 4 जनवरी को विरोध प्रदर्शन इसलिए चल रहा था क्योंकि जो ओरमांझीम घटना घटी थी, सिरकटी लाश बरामद हुई थी और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए भैरव सिंह है हमारे साथ इस वक्त मौजूद, प्रदर्शन कर रहे थे कि महिलाओं को न्याय मिलनी चाहिए और जो ये बलात्कार की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री जल्द से जल्द संज्ञान लें और जांच करवाएं। भैरव सिंह अपने समर्थकों के साथ जब मुख्यमंत्री का काफिला निकल के जा रहा था हरमू रोड, हमारा ऑफिस भी वहीं पर है और उसी समय जो है मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले की बात कही गई। भैरव सिंह, उस दिन आप थे वहाँ पर, हमने भी आपकी खबरों को दिखाई थी, लाइव किया था वहाँ से। आखिर एक्चुअली आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जो घटना घटी, हालांकि जांच हुई उसके बाद, लेकिन क्या मानते हैं कि गिरफ्तारी उसके बाद जिस तरह से हुई और आप उसमें मुख्य आरोपी पाए गए, क्या मानते हैं कि आपने जो आवाज़ उठाई थी महिलाओं की न्याय दिलाने के लिए, ये गिरफ्तारी सही थी? और देखिए, हम लोग तो पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, और मांझी में सरकटी लाश मिली थी केवल ये विषय नहीं था, विषय झारखंड अब के सभी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर था। उस समय वो घटना तुरंत घटी थी इसलिए उस विषय को भी हमने उठाया कि इतने घृणित अपराध झारखंड में होते हैं और एक साल के कार्यकाल में प्रतिदिन अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो 6 से 7 बलात्कार रजिस्टर्ड होते हैं झारखंड के थाने में। इतनी भारी मात्रा में जो बलात्कार हो रहे हैं और हमारी महिलाएं असुरक्षित है, इसका विरोध करना, इस विषय को लेकर के रोड में उतरना गलत है क्या? महिलाएं थी हमारे कार्यक्रम में, 500-600 से ऊपर महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चे थे, नाबालिग बच्चे थे 500-600 की संख्या में, युवा थे 1000 की संख्या में, तो इतने लोग और हाथ में हम लोग पंपलेट पकड़ करके और हम लोग विरोध कर रहे थे कि इस पर एक संज्ञान लिया जाए, झारखंड सुरक्षित कैसे हो इसको योजना बनाया जाए और इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। लेकिन इस घटना को बदल करके इसको उल्टा ही दिशा दिखा दिया जाता है कि हमला हुआ था। हम लोग भैया पंपलेट लेकर के कोई हमला करने जाता है कि? हम लोग पंपलेट लिए हुए थे और हम लोग क्यों हमला करेंगे? हमारे झारखंड के अभिभावक हैं, हम तो उनका सम्मान करते हैं, हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका सम्मान करते, को हमारे झारखंड के गार्जियन, और हम गार्जियन होने के नाते उनसे प्रश्न पूछने का हमें अधिकार है, तो कार्यक्रम करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो उसी संवैधानिक अधिकार के तहत हम लोग कार्यक्रम किए थे, लेकिन उसको मुद्दा कोई और बना दिया गया था। लगभग कितने लोगों की गिरफ्तारी आपके साथ हुई और जेल में जो आपका जो ये सफ़र रहा लगभग 6 से 7 महीने का, क्या मानते हैं? देखिए, 30 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और मुझे जब पता चला कि FIR हो गया है तो कानून का मैं सम्मान करता हूँ एक भारतीय होने के नाते, और उसी सम्मान के तहत मैंने जा करके कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों भागूँगा। तो इस प्रकार का हम लोग कार्यक्रम किए थे, लेकिन विषय था कि छोटे छोटे बच्चों को कर दिया गया, गरीब महिलाओं को उठा करके जेल भेज दिया गया, युवा जो पढ़ने वाले थे उनको उठा करके जेल भेज दिया गया। यह सोचने का विषय है कि आप एक बार चिंता कीजिए, सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए कि उनके भविष्य का क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे जो जेल जा रहे हैं उनको भारत के उत्थान के लिए काम करने के लिए प्रेरित आप करेंगे कि उनको अपराधी बनाने के लिए काम करें, यह सोचने का विषय है। भैरव सिंह आगे से ऐसा कोई प्रदर्शन करेगा? देखिए, प्रदर्शन तो होते रहेंगे, कार्यक्रम तो होते रहेंगे, अगर सुरक्षा व्यवस्था का बात आएगा हमारे झारखंड का, इज्जत का बात आएगा, कानून व्यवस्था के समर्थन का बात आएगा, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का बात आएगा और इसके विरोध में अगर कोई खड़ा होगा, इस प्रकार के कार्यक्रम तो होते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये एक इस कार्यक्रम करने के पहले हम लोग ये जरूर ध्यान देंगे कि छोटी से छोटी घटना भी ना घटे और समाज को समस्या न पहुँचे, ना प्रशासन को ना सरकार को कष्ट ना हो, इसका हम लोग पूरा चिंता करेंगे। लेकिन आपके स्वागत के लिए जो बैनर लगाया गया था शहर में, और बैनर तो 10 घंटे में ही उतार लिया गया, इसको क्या कैसे मानते हैं? वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, और भैया सरकार बहुत ऊंचा चीज़ है, उसके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ, प्रशासन बहुत ऊंचा चीज़ है, प्रशासन के सामने हमारी क्या औकात है, कुछ नहीं, वो जो चाहे कर सकते हैं, और सरकार और प्रशासन का मैं सम्मान करता हूँ, और उन लोग जो किए थे बैनर फाड़ने का, मैं तो जेल में था, मेरे जेल में निकलने से पहले ही सारे बैनर फट गए थे, लेकिन सोचने का विषय था कि वो जो बैनर लगे हैं वो कौन लगाया है, लगाने वाला कोई रहीस आदमी नहीं है, गरीब आदमी लोग जो समाज में काम करते हैं, रोड में झाड़ू मारने वाले, नली साफ करने वाले लोग, गरीब महिलाएं, सरना सनातन समाज के जो गरीब महिलाएं घरों में काम करती है, रोड में अंडा बेचती है, उन लोग बैनर लगवाए थे, और उनका जो समर्पण था, प्रेम था मेरे प्रति, उसके लिए मैं उनको सभी को चरण स्पर्श कर प्रणाम करता हूँ, लेकिन सरकार से बढ़ के कोई नहीं है, प्रशासन से बढ़ के। मैडम, इस वक्त रूपा तिर्की के मामले को जांच को लेकर सीबीआई जांच को मांग काफ़ी तेज है,
जांच की बार बार मांग की जा रही है। भैरव सिंह भी क्या उनकी जांच के लिए आगे लड़ाई लड़ेगा? जी एकदम, मैं हमारी बहन रूपा तिर्के जी का जो विषय है, इतनी बड़ी घटना घट गई और घटना को अभी तक तोलमोल किया जा रहा है, कोई कहता है आत्महत्या है, कोई कहता है हत्या है, इसकी सीबीआई जांच होनी ही होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा कि हमारी झारखंड की बहन जो है, जो इतने मेहनत से, इतने संघर्ष से इस स्थिति को प्राप्त की थी और थोड़े ही दिन में इस प्रकार की बड़ी घटना घट गई, तो उनका मैं परिवार के साथ, मेरी सहानुभूति है, उनके परिवार से मिलूंगा और इस पर मैं क्या कर सकता हूँ उसकी योजना जरूर बनेगी। एक बड़ा सवाल आ रहा है कि भैरव सिंह नेता बनने की तैयारी कर रहा है, ये सब कार्यक्रम करके मीडिया में आकर। देखिए, नेता का फुल फॉर्म नेतृत्वकर्ता होता है, समाज का नेतृत्व करना बचपन से हमारे खून में रहा है, संघ के 15-16 साल का संघायु है हमारा और बचपन से ही काम करे समाज को संगठित करने का, तो ये कार्य तो आगे भी जारी रहेगा। और जेल की व्यवस्था पर कई सारे सवाल आपने खड़े किए हैं, जेल के अंदर कई सारे की व्यवस्थाएँ? देखिए, समस्याएं तो सब जगह होती ही हैं और जेल में जितने लोग हैं, जो जिनको सजा हो चुकी है वो तो ठीक है, अपराधी हैं तभी उनको सजा हुई होगी, लेकिन जिनका विचाराधीन केस है उन लोग में बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिनको आने वाले समय में रिहा कर दिया जाए, पता चलेगा कि उनकी गलती नहीं थी, उनको फंसाया गया था। जैसे हम जानते हैं कि हम लोग आने वाले समय में बरी होंगे क्योंकि हमारी गलती नहीं थी, हमारा कोई योजना गलत नहीं था, तो उसके बारे में मैं प्रश्न उठाना चाहूँगा कि इतने दिन जो हम लोग समस्या झेलें, जो बच्चे जुबलाइन रह के आए बच्चे जेल में, जो महिलाएं जेल में रह के आए, जो युवा जेल में रह के आया, उनके भविष्य का क्या होगा, इस प्रश्न को मैंने उठाया था और इसका जवाब मुझे चाहिए। तो हमारे साथ भैरव सिंह थे जिन्होंने कि बताया कि ये आवाज़ जो है दबने वाली नहीं है और हमेशा हम महिलाओं के लिए, सम्मान के लिए रोड पर, सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे और मुख्यमंत्री से हमारी मांग थी उस दिन कि हमारी बातें सुन ली जाए, लेकिन हमें काफिले पे हमले की साजिश के साथ फंसाया गया और जो बच्चे लोगों को गिरफ्तारी हो ये कहीं से भी जायज नहीं था। हालांकि भैरव सिंह अब जमानत मिल चुकी है और आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और कई सारे बातों को कहा है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।